गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं आप लोगों की दुआ से। और हम बस थोड़ी देर पहले उठे हैं क्योंकि आज हमको घर भी जाना है और अभी हम चाय बना लिए और हमको सुबह में जाना था और सर बोल दिए कि नहीं 2 बजे चली जाना, मतलब 1:30 बजे। तो बोले ठीक है, फिर अभी अब हम पहले ऑफिस जाएंगे, उसके बाद जाके वहां से 1:30 बजे निकलेंगे तो 2:30 बजे वाले बस में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, तब देखेंगे। 3:30 बजे वाला बस लेंगे फिर, और क्या ही कर सकते हैं क्योंकि सीट मिलना चाहिए भाई, आराम से सो के जाएंगे, वैसे भी एग्जाम रहने वाला। तो गाइज हैप्पी छठ पूजा। आज है वैसे खरना, कल तो था नहाए खाए के भी हार्दिक शुभकामनाएं एक दिन बाद, और खरना की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ घर जाने का ब्लॉग देखने के लिए। और आज हम आपको जिस ऑफिस पे जाते हैं, अभी हम ना सर के दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं तो वो दूसरे ऑफिस जाते हैं, तो आपको हम वो भी ऑफिस दिखाएंगे कि मेरा वो ऑफिस कैसा है। मन नहीं लगता आपको वहाँ, हम नहीं रहना, हम छठ के बाद आएंगे इसी ऑफिस में जाएंगे, लेकिन कहीं और नहीं जाने वाले। अब बहुत हो गया, मेरे हर बार में 100-100 रुपये खर्च होते हैं, डेली जाने में 100 रुपये, 40-40-40-40, मेरा दिमाग खराब हो गया है। गाइस बनी रहिए हमारे साथ, हमारा ब्लॉग देखते रहिए और देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। अभी मेरा वैसे पैकिंग भी हो चुका है, वेट दिखाते हैं आपको। ये देखो, ज़्यादा कुछ तो लिए नहीं, थोड़ा बहुत, हम सोचे मम्मी को स्पा कर देंगे और फिर ये सब, और बस 2 कपड़ा रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी घर पे कपड़ा है ही, तो क्या फ़ायदा उतना सामान ढो के ले जाने का, इसीलिए। और कभी हम अपना रूम दिखाएंगे, अभी मेरा रूम सही से सेट नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। अरे आज हम भर कंटेनर पी रहे हैं, मतलब भर कप पी रहे हैं, एक कप से इतना ही कम है, वो भी बड़ा वाले कप से। सो अभी हम हो रहे हैं जल्दी जल्दी रेडी क्योंकि लेट हो चुका है हमें, और ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद घर जाना है। घर जाने का एक्साइटमेंट ही अलग ही होता है ना, मींस सोचते हैं कि यार कितना जल्दी घर निकल जाए, कितना जल्दी घर निकल जाए। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, पता है, वैसे हम कभी भी जल्दी नहीं उठते हैं, बट घर जाने के नाम पे तो ऐसे मेरा नींद खुलता है जैसे कि हम पता नहीं कहाँ जाना है। कभी मेरा रिकॉर्ड नहीं होता है कि मेरा नींद खुल जाए, बट जिस दिन भी घर जाना होगा एकदम जल्दी जल्दी नींद खुलता है। वैसे हम 10 अलार्म लगा के सोते हैं फिर भी मेरा नींद नहीं खुलता है। अगर आज सुबह में हमको जाना होता ना, मेरा 2 मिनट में यूं नींद खुल जाता, बट सुबह में नहीं जाना था इसलिए मेरा नींद नहीं खुल रहा था। 10 बार अलार्म बजा है उसके बाद जाके मेरा नींद खुला है। हो गया, आई एम रेडी, बस बाल कुछ करेंगे और हम रेडी हो जाएंगे क्योंकि हम मेकअप में ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, बस मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं। मेरा फेवरेट काम है लिपस्टिक लगाना, उसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मेरे बाल का हालत ख़राब है, बस हम इसलिए अभी नहीं धो रहे हैं कि घर जाएंगे तो फिर गंदा होगा ही बाल, इससे बेटर है कि घर जाके ही धोएं, कौन बार बार धोएगा भाई। Am I looking चंपू? अभी हम खाएंगे जा रहे हैं अभी जल्दी जल्दी खाना खाने। खाना में वैसे हम कुछ बनाए नहीं थे कल रात का, थोड़ा सा क्या भी उसका सब्जी था, भुजिया था तो वो है, और चूड़ा दूध रखे हुए थे तो सोचे चूड़ा दूध ही खा के निकल लेंगे क्योंकि सबसे आसान काम है वो, आराम से चूड़ा दूध खाओ और निकल जाओ, नहीं तो रोटी बेलो, ये करो वो करो, इतना सारा बर्तन भी लग जाता है, तो इसीलिए। तो अभी जाएंगे जल्दी जल्दी दिखाते हैं, चूड़ा दूध खाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। जब तक कि हम खाएंगे तब तक मैं हम रैपिडो इधर बुक कर लेते हैं जिससे कि जब तक खाएं तब तक मेरा रैपिडो वाला भी आ जाए और जल्दी जल्दी निकल जाए। बस हम लाइनर लगाना भूल गए, सोच रहे हैं लाइनर भी लगा लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ऑफिस 1-2 घंटे पहले यहाँ, और लेट हो गया था इसलिए हम कुछ ब्लॉग नहीं बना पाए, जल्दी जल्दी भागे बस। ये रहा मेरा सामान एंड ये रहे हम, और गाइस
बस आधे घंटे और वेट करना है, उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर जाने के लिए यार, देखते हैं क्या करते हैं। बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो फाइनली हम समस्तीपुर पहुंच चुके हैं और वैसे तो हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, आज 3.5 घंटा लगा, दिमाग खराब हो गया। अभी भाई लोग भी थोड़ी देर में आएगा, तब तक हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमको सामान लेना है मार्केट से, मीन्स कपड़ा ये सब, तो उसके लिए तो बने रहिए हमारे साथ। अभी भाई और भास्कर आएगा, वो दोनों में लेके जाएगा, मजा आएगा भी, लेकिन रात में ठंडा भी लगेगा। आई एम वेटिंग फॉर ऑटो, दो भाई ऑटो नहीं बदलेंगे, ये दो ऑटो बदलने में पैसा नहीं लगेगा भाई, 20 रुपया, वैसे 10 रुपये में चले जाएंगे। बोल रहा था घाट पे चलो उसके बाद वहाँ से ले लेना ऑटो, बोले नहीं हम तो नहीं जाना। पैसा बचाओ पैसा। यहाँ हम गोलगप्पा खाने आए हैं और ये गोलगप्पा वाला बहुत कंजूस है और आलू देता ही नहीं है। आ गया है हमारा स्टाफ जो कि मेरा बैग ढोल रहा है, और हमने कपड़ा ले लिया है और फिटिंग करने के लिए भी दे दिया है, और अभी जा रहे हैं बस घूमने, कहाँ, मारवाड़ी बाजार। क्या बोल रहा है, माड़ा सरमाड़ा क्या भास्कर, क्या मुंह में कुछ क्या रहे हो, हम बोला कुछ और। ये है हमारा समस्तीपुर, आपने तो कभी देखा नहीं होगा क्या, आपने तो हमेशा देखा होगा हमारे समस्तीपुर को। बेइज्जती करता है ये लड़का मेरा हमेशा। क्या हुआ, हम फोन भास्कर, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम आए और ट्रेन ये गुमती ना बंद हो। पनौती है मजाक नहीं भास्कर, हम 90 बेर आएंगे ना तो 89 बेर घूमती खुलल लगा, एक बेर बंद मिलेगा, एक साथ आएंगे पनौती साथ, कहो ऐसा दिन नहीं हुआ जी दोनों घूमती बंद मिलता है। आई एम नॉट पनौती, पनौती है देख लेना, अब वो बंद होगा आज चिपड़ा रे ये रहा। देखो 5-4 लोग हमको लेने आया है, बताओ हम यार कहाँ थे, जाके तू फोन कर रही थी, हम यार कहाँ थे, तो वही तो बोल रहा है 4 लोग लेने आया है। मौजम जब पूछे तो कहाँ थे, जाके फोन कर रही थी, कहाँ थे, हमको पता था कि घर में है, बहुत तेज बन रहा था ये, हम बोले कि हमको पता है कि तुम घर पर है, गाड़ी तो चाबी लेके चल गया, गाड़ी कैसे चालू किए, कौन कहीं चीज से, भाई साहब जो डाल देंगे तो चोरी कर लेगा, पता कौन सा चले यार, कौन सा बाइक है तुम्हार, पता लगा लेगा। अच्छा बाइक नहीं दिख रहा है, गुप्त साहब नहीं खुल गया, हम खाएंगे, नहीं मिला तो हम जहाँ से भी वही खाना है, हम जब बोले कि दुकान में खिला देने को तुम क्यों नहीं खिलाया। फाइनली हम खरना का प्रसाद खा के और सोने के लिए आ गए हैं क्योंकि बहुत थके हुए थे और 10 बजने वाला था तभी आए थे, मतलब 9:30 बजे के राउंड में आए थे, तो अभी खाए हैं और आ गए हैं सोने के लिए, और दादा दादी भी सो गए थे, उनसे मिल भी नहीं पाए, तो कल सुबह उन लोगों से मिलेंगे, तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट डे। सच कल है संध्या अर्घ और कल बहुत सारा काम होने वाला है, तो सारा दिखाएंगे मेरा भाई क्या सब करेगा, डेकोरेशन वेकोरेशन बोल रहा था कि अच्छा डेकोरेशन देख के दी बताओ, तो वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, तो ये हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय श्री राम, बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी छठ पूजा। कैसे हैं आप लोग, आए लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है छठ का शाम वाला अर्घ और अभी मौसम देख सकते हैं, वेट ये देखो क्या मस्त व्यू है ना, और मेरी चाची अभी बना रही है छठ का प्रसाद, बना रही है मेरी आंटी, ये देखो
अथी को करे छै जते हम एकदम सजन नै छी हैप्पी छठ पूजा। और हम बहुत गंदे दिख रहे हैं तो प्लीज मेरे शकल पे ध्यान ना दिया जाए। ये देखो उधर बाप, उसको देखो कितना काम करने वाला है, इतना सारा फूल काट के ला रहा है, गिरेगा। बंद कर दो खुरपीला खुरपीला ओकरा देखबे ना झुनकी ओकरा जल्दी ला छुरी छुरी खुरपी काहे मम्मी धली खुरपी की बोले जाबो झुनकी देख रहल छन कते काम कर रहल छै तहनी से तब से हम काम ही कर रहल छै। सुमन जे खाली बैठल है हम तो काम कर ही रहा छे लेकिन छोटका के देखे उधर देखे झुनकी छोटका कितना काम कर डालेगा इतना छोटा बच्चा झाड़ू वाड़ू लगा डालेगा बकवास काम कर रहे है सबसे अच्छा काम कर रहा है सबके बुराई करे वाली के एना ना बोलिए उधर देखो भी ना चिल्ला के हां कितिया ठीक है ना बार बार यार मत बोल हमरा हां देखिए सबसे कम हुआ उधर आघात में लग रहा है ना फुल कम हुआ भूल जाते हैं अपने मुंह में की प्याज से फरते हैं बोल जाते हैं वो नहीं जिंदगी फील ले ले वो है ब्रेक की करो दुर्वाई साहब और चार को जरा हाथ एक दो बस अभी इधर नहीं आवे के हो साल करै छु इसी पे बहुत बार गोर छले छै हमर स्किन रहि केना होय फोटो लेने वाले लोग ये देखो सुमन कुमार को अभी हमारा संध्या अर्घ हो चुका है और हम लोग इतने बिजी थे कि ब्लॉग ही उतने अच्छे से नहीं बना पाए नहीं झुनके बहुत ज़्यादा ही बिजी थे है ना। और ये देखो अभी दादी लोग निकलेंगी, मेरी अपनी दादी तो नहीं की है, मेरी छोटी दादी की है और मेरी दादी वहाँ रही है। ये देखो सारे लोग अब निकल रहे हैं। सो संध्या अर्घ हो चुका है समाप्त और सभी अपने अपने घर चले गए हैं। हम भी फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हैं, मीन्स सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, फ़ोटो सेशन भी। और अभी हम जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने, क्योंकि वैसे भी पता है दिन में तो पूरा कुछ भी ब्लॉग नहीं पाया। ये देखो मेरी मम्मी को पूरे दिन में कुछ ब्लॉग तो बना पाए नहीं, मेरी बहन छोटा छोटा वीडियो बनाई है, पता नहीं क्या बनाई है, हमको नहीं मालूम, तो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या बनाई है। तो बहुत मज़ा आया और कल सुबह वाला ना प्रॉपर मैं व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से ट्राई करेंगे। यार लोग रहते हैं ना तो थोड़ा सा शर्म आ जाता है बनाने में, इसलिए नहीं बनाते हैं। तो गाइज चल जाते हैं, फटाफट चेंज करते हैं और फिर से अपने भूतनी वाले लुक में आ जाते हैं। ये
हैप्पी छठ पूजा फिर से आप लोगों को। ये देखो दिखाते हैं, मैं उतना अच्छा तो फोटो नहीं आया। ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, बस यही सब आया है। सो अभी हम चेंज करके बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए, और पता है डर लग रहा है इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा। 251 या ऐसे कुछ रन बनाना है ऑस्ट्रेलिया को, आराम से बना लेगा। हम लोग सोचे थे 300 साढ़े 300 मार लेगा रन, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या होगा पता नहीं, भगवान जी प्लीज जिता दो। मोहम्मद शमी एकदम मस्त वाला बॉलिंग करे, और ऑल टाइम में जैसे करता है सीधे सीधे सिर्फ आउट 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 करते चला जाए, मजा आ जाएगा। और प्लीज इंडिया जीत जाए, हे छठी मैया इंडिया को जिता दो भगवान जी। बेचारे भाई से फोटो मांगेंगे, स्टोरी लगाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सुबह वाला अर्घ और रविवार है 4:30, और हम उठ चुके हैं जो कि जल्दी जल्दी करना होगा, अभी लेट ही हो गया एक तरह समझो। सारे लोग इधर उधर रेडी हो चुके हैं, मतलब रेडी नहीं हुए हैं बट फिर भी, तो अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी रेडी होने। अभी ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद रेडी होंगे और उसके बाद फिर बाहर जाएंगे, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी अभी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। वेट देखो, मेरे अंकल झाड़ू लगा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि जनरेटर की आवाज़ में ना हमारा आवाज़ नहीं आएगा, और जनरेटर का आवाज़ बहुत तेज आएगा, क्योंकि ना हमारे गांव में क्या होता है, जब भी छठ होता है तो उस टाइम में ना लाइट कट कर देता है, हो सकता है कि कभी करंट या सब यही सब चीज़ की वजह से हमेशा लाइट कट जाता है। तो इसीलिए लाइट की वजह से जनरेटर चला था और हमारा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मीन्स बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए म्यूट कर दी, क्योंकि जनरेटर का इतना तेज़ आवाज़ था ना कि पूरा कान ख़राब हो रहा था इसीलिए। फिर हम फ़ोटो लेने में बिज़ी हो गए, मेरा काम ही है फ़ोटो लेना, और मेरी बहन झुनकी, जिसकी वजह से मेरा इतना सारा वीडियो बन पाया, मीन्स व्लॉग बन पाया, वरना हम कुछ भी नहीं बना पाते। वही थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत वीडियो बना। और इसको जो देख रहे हो ना, ये हमारे घर का सबसे छोटा लड़का, छुटका, मीन्स वैसे इसका नाम साहिल है बट हम लोग छुटका बोलते हैं। ये किसी का नहीं सुनता है, बस अपना सुनता है। इसको बोलते बोलते रह गए छुटका इधर सुनो इधर सुनो, नहीं का नहीं ही सुनाता है वो। अब यहाँ पे पटाखा फोड़ने का सिलसिला जारी हो गया है, ये लोग मिलके इतना पटाखा फोड़ रहे हैं, इतना पटाखा फोड़ रहे थे मीन्स कान खराब हो गया था हमारा भाई, कान खराब हो गया। और यहाँ पे दादी अर्घ के लिए जल में प्रवेश की है, सबसे पहले वो स्नान की, मीन्स जो भी उनका पूजा पाठ होता है वो की, फिर उसके बाद मेरी छोटी वाली दादी जल में प्रवेश की, फिर उसके बाद उनका जो भी पूजा पाठ का है वो की। मोमबत्ती जला ही रहे थे तो सोचे फोटो ले ही लेते हैं, फोटो तो हम लड़कियों के लिए कंपलसरी होता है, फोटो के बिना हम लोग ना अधूरे हैं, मीन्स कुछ भी नहीं हो सकता हमारा फ़ोटो के बिना। तो बार बार हम ट्राई कर रहे थे फ़ोटो लेने के लिए और पोज दे रहे थे। हम दोनों बहन ना फुलझड़ी लेना भूल गए थे, मीन्स सोचे थे कि फुलझड़ी लेंगे तो उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो वो तो नहीं मिला। तो मेरी दीदी छुटका से लेके 3-4 फुलझड़ी जलाई, तब एक दो को भी फोटो अच्छा आया, नहीं तो सब बकवास आ गया था। और यहाँ देखो मेरे और मेरी दादी का प्यार। मेरा फोटो लिए हैं झुनकी, बताओ जरा, हम सिर्फ मेरा फोटो लिए हैं, सबका लिए हैं, हम अकेले सिंगल नहीं लिए हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा 10 साल के फोटो होंगे जो चुड़िया के मर्जी। अच्छा, मार देंगे, कुछ भी नहीं बोलो। अरे यार तुम भूल जाते, तुम भी नहीं याद दिलाती हमको। अच्छा देखो अर्घ बस थोड़े ही देर में होने वाला है, इधर सुमन कुमार को देखो टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर कर रहा है तुमको, बोलो ना, कर रहा है ना, टॉर्चर कर रहा है ना लड़का सुमन कुमार।
फिर से, फिर आएंगे अगले साल 6 मैया है ना जिनकी। छठ हो गया समाप्त और सब चले गए अपने अपने घर और हम लोग भी जाएंगे घूमने नानी के यहाँ। मम्मी जाएगी तो हम भी चले जाएंगे साथ में और ये भी लड़का जाएगा। देखो तो सुमन कुमार नहीं देखेगा मत देखो। हम भी इरिटेट हो गए हैं, बहुत फोटो लिए हैं, बहुत फोटो।